के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वामी विवेकानंद, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेताओं की मूर्ति लगाए जाने की घोषणा पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई राजनीतिक दल जब सत्ता में होता है और वो महापुरुषों की मूर्तियां लगाता है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका विरोध करती है और कहती है कि नाजायज पैसे का इस्तेमाल किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी खुद स्वयं उन पे प्रतिस्पर्धा करके उनसे आगे निकलने का प्रयास कर रही। आज मूर्तियों लगाने की होड़ मची हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वयं अपने अंदर झांकना चाहिए, आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए। ये कहना न्यायोचित नहीं है कि मूर्तियों की भरमार हो गई है। कभी भी कोई भी सरकार देश और समाज के हित में काम करने वाले किसी राजनेता और किसी महापुरुष की मूर्तियां लगाती हैं तो समाज भी उसका स्वागत करता है और सब लोग स्वागत करते हैं। और सदैव हम सरकार में रहते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं और तो हमेशा देश और समाज के लिए बलिदान करने वाले, त्याग करने वाले और नेतृत्व करने वाले लोगों की मूर्तियां ही हमने सरकार में रहते हुए लगाई। और जो लोग मूर्तियों को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उनको अपने कार्यकाल को भी देखना चाहिए, तो उन्होंने अपने